आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 नेकबैंड की, और साथ ही साथ इसका हम माइक क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए जो पहले अनबॉक्सिंग है वो कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसे हमारे जो नेकबैंड है वो ऐसे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ऐसे इसे खोलना पड़ता है, और यहाँ पे जो एसेसरीज़ है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहले एसेसरीज़ को एक एक करके निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि और क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अपना जो नेकबैंड है इसे साइड में रख लेते हैं और देख लेते हैं कि एसेसरीज़ में हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें चार ईयर टिप्स मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें चार ईयर टिप्स देखने को मिल जाता है, जो आप अपने ईयर के साइज के हिसाब से आप इसे लगाकर एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक USB 2 Type-C केबल, और जो केबल का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और साथ में हमें ये कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेड केबल क्लब। इसे स्कैन करके हम हमारा जो वेलकम बेनिफिट है वो यहाँ पे ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 नेकबैंड की यूज़र गाइड। काफ़ी लंबा यूज़र गाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसे हम PDF फॉर्मेट में बना के हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेकबैंड की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेकबैंड कुछ ऐसे यहाँ पे मिल जाता है। इसे हम निकाल लेते हैं केस से। आप देख सकते हैं ऐसे हमारे जो नेकबैंड है वो देखने को मिल जाता है। अभी इसका एक आउटलुक देख लेते हैं। अभी आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 नेकबैंड का जो इनबिल्ट माइक है, माइक से रिकॉर्ड किया हुआ आवाज़ है। इस आवाज़ को सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 जो नेकबैंड है, नेकबैंड का जो इनबिल्ट माइक है, माइक से हमें कैसा ऑडियो इनपुट क्वालिटी देखने को मिल जाता है। अभी हमने हमारे जो नेकबैंड है नेकबैंड में एक म्यूज़िक को प्ले कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलर माइक हमारे हाथ में है। अभी क्या करेंगे, इसका जो स्पीकर है इसको हमारे जो माइक है माइक के पास लेके जाएंगे। आप अभी सुन सकते हैं कि इसका साउंड कैसा आ रहा है। दोनों माइक को हम आपके सामने ऐसे प्ले करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा साउंड आ रहा है, और ऐसे अगर देखा जाए तो कॉलर माइक से आप इसका जो म्यूज़िक का क्वालिटी है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हमने कुछ देर इसका जो साउंड है वो सुनकर देखा, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और कॉलिंग के वक्त भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम लेटेंसी एकदम ना के बराबर है, और साथ ही साथ काफ़ी क्लियर जो आवाज़ है वो आता है। अपना नेकबैंड को चार्ज करने के लिए आपको सिंपली दिया हुआ जो केबल है इसे अपना पावर बैंक या फिर कोई भी एडाप्टर में लगा लेना है, और जो नेकबैंड है नेकबैंड में आपको इसे लगा देना है। आपके सामने कुछ लाइट ब्लिंक होता हुआ दिख जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का लाइट ऐसे जल रहा है, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब यहाँ पे व्हाइट कलर का लाइट चल जाता है। उसको देख कर आपको पता चल जाएगा कि जो नेकबैंड है वो फुल्ली चार्ज हो गया है। Thank you.
आज इस वीडियो में हमने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 नेकबैंड की। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।